हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अभिमन्यु IAS। सो टारगेट IAS 2021 में आप सभी का स्वागत है और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज 2021 को लेकर बहुत ही बढ़िया ढंग से आप लोग कर रहे होगे और कॉन्टिन्यूटी में कर रहे होगे। तो अगर बात करें टारगेट IAS 2021 में हम लोग करंट अफेयर्स को कवरअप कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आपके बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं प्रीलिम्स में प्लस मेंस के अंदर। और ये सेशन हम लोगों के लिए 2021 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोग इन सेशंस के अंदर ना हर एक न्यूज़ को, हर एक मंथ की न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा बारीकी से, यानी कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से हम लोग उसको कवरअप कर रहे हैं। और इसी सेशंस में हम लोग मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे, यानी कि मोर देन वन ईयर, मतलब एक साल से ज़्यादा के हम लोग करंट अफेयर्स इन्हीं सेशंस के अंदर कवर अप करेंगे। और ये सेशन कॉन्टिन्यूटी में रखा जाएगा 70 डेज के लिए, यानी कि हमारा 70 डेज का ये टारगेट है जो पावर्ड बाय अभिमन्यु है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। 70 डेज के अंदर हम ये सारे के सारे करंट अफेयर्स को कवर अप कर लेंगे। क्लियर है? बस आप लोग मेरे साथ बने रहें और ये सेशन को आप लोग कॉन्टिन्यूटी में देखते जाइएगा, तो इससे बेनिफिट आपको 101% मिलेगा अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से। क्लियर है? क्योंकि ये सेशंस के बाद आपको करंट अफेयर्स में आने वाली प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे ढंग से दूर हो जाएंगी। और अगर बात करें, अभी तक हमने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त को कवर अप कर लिया है। और स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आज की, तो आज हमारा सबसे पहला लेक्चर होगा, मतलब 31st लेक्चर रहेगा सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के ऊपर। तो यानी कि आज हमारा पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर ऑन द सितंबर 2020 करंट अफेयर्स। क्लियर? तो सेशन शुरू किया जाए। और अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन दूं, तो मायसेल्फ कनम अग्रवाल, आई एम द करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु IAS। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। हमारी आज की सबसे पहली न्यूज आती है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3 के लिए। क्लियर है? अब ये है क्या चीज, ध्यान से सुनेंगे और एक चीज याद रखिएगा, मैं फिर से वही रिपीट कर देता हूं। हम लोग कोई भी न्यूज करते हैं ना, तो उसके तीन पिलर्स को आप लोग कंसंट्रेट करें, क्यों ये न्यूज है, यानी कि बैकग्राउंड और इसका मेन मोटिव क्या है, और देन आफ्टर थर्ड पिलर, भारत को लेकर क्या बैकग्राउंड है, क्या प्रेजेंट है, और भारत इसके ऊपर क्या निवेश करेगा और क्या फ्यूचर रहेगा भारत के अंदर इसका। क्लियर है? मतलब भारत का नजरिया ये न्यूज को लेकर क्या है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और हम लोग शुरू करते हैं। अब अगर बात की जाए, तो यहां पे लिखा द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो ये भारत के राज्यों की बात की गई है, जो भी कोई एम्प्लॉय है उसके इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की अगर बात करें, वो एक्सटेंड कर दी गई द अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना बाय द वन ईयर टू द 30th of June 2021। मैं बात कर रहा हूं स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए। इंपॉर्टेंट है ये पहला ही पॉइंट। क्लियर? आगे चलें, तो यहां पे लिखा कि जो आपका फर्दर आगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, यानी कि ESEC बोलते हैं जिसको, हैज रिलैक्स्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब कंसेप्ट है, इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दे दिया, अरे किसके अंदर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए, और एनहांस किया कि जो पेमेंट्स हैं ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अंडर द योजना, कंसेप्ट पे फोकस करना, एनहांस किया और भी आगे बढ़ा दिया पेमेंट्स को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को भी लेकर यहाँ पे इस योजना के तहत। और ये स्टूडेंट्स एप्लीकेबल रहा फ्रॉम 24th of March से लेकर 31st of December 2020 तक। क्लियर है? हालांकि अगर मैं बात करूं, ये जो आपकी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही रखा गया है। क्लियर है? तो यहां पे लिखा कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना वॉज इंट्रोड्यूस विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st July 2018
प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हमें सिविल सर्विसेज में कभी भी डेट्स को मेंशन नहीं किया जाता है, बट ईयर के ऊपर थोड़ा सा आप लोग फोकस करके रखिएगा। डेट्स नहीं, मैं ईयर की बात कर रहा हूं। यहां पे लिखा कि इस स्कीम के तहत क्या है, अंडर इट जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी बेनिफिट है, इज पेड टू द वर्कर्स कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। अब मैं ये फिर से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, याद रखें यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है भारत के अंदर, जो अनएम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर है उसको लेकर भारत सरकार ने क्या स्टेप्स को उठाया। तो यहां पे लिखा है ना कि जो बेरोजगारी है लोग हैं उनको भी बेनिफिट दिया जाएगा, उनको भी कुछ पेमेंट्स दी जाएंगी, पेड टू द वर्कर्स। जो जो पेमेंट्स आ रही हैं वो कौन सी स्कीम के तहत आ चुकी हैं, वो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। क्लियर, ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस करना है इस चीज को। हालांकि ये प्रिलिम्स में ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे, बट मेंस पर्सपेक्टिव से अगर कुछ ऐसा गवर्नमेंट रिलेटेड पॉलिसीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है, या फिर ऐसा कभी कभी पूछ सकते हैं कि द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर ऐसा हो सकता है कि नेशनल न्यूट्रिशन है। अगर मैं बात करूं कि भारत के अंदर अब कोविड 19 आउटब्रेक अगर हो गया था, तो जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ था, तो उनमें वो लोगों में अगर अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो चुका है तो उनका न्यूट्रिशन लेवल भी डिक्लाइन करेगा। तो भारत सरकार ने क्या कदम उठाए, तो हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत अनएम्प्लॉयमेंट्स को भी बेनिफिट दिया गया इस स्कीम के अंडर। क्लियर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेप्स हैं। आगे लिखा गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश कंपेंसेशन अप टू 90 डेज, यानी कि 3 महीने तक, वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब लाइफ में एक बार, टू बी क्लेम्ड आफ्टर 3 months 90 डेज इन वन और मोर स्पेल्स फॉर बींग रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। क्लियर, तो यहां पर लिखा कि जो बेनिफिट है डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ द एवरेज अर्निंग पर डे। इंपॉर्टेंट, याद रखिए जो बेनिफिट मिला वो, अगर वो इंसान को जो बेनिफिट मिला वो एक दिन में कितना कमा रहा है, उसका 25% वो भारत सरकार बेनिफिट दे सकती है अगर उसकी नौकरी जा चुकी है, बट लाइफ में एक बार, क्योंकि यहां पे लिखा डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ द एवरेज अर्निंग पर डे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा, कहते इट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्रीज, कंसेप्ट है ये हर एक फैक्ट्री में लागू किया गया, एंड नोटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड इन द इम्प्लीमेंट एरियाज। क्लियर है, नेक्स्ट आया यहीं पे कि जो एम्प्लॉइंग्स हैं 10 और मोर persons एंड इज एप्लीकेबल ऑन द एम्प्लॉयज ड्रॉइंग wages अप टू द रुपीज 21,000 पर मंथ, यानी कि 25,000 फॉर द पर्सन विद द डिसएबिलिटीज। क्लियर, इवन यहां पे लिखा जुलाई 2019 में जो कंट्रीब्यूशन रेट था, यानी कि अंडर द एम्प्लॉयज जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है। क्लियर है, क्या चीज हमने देखी है यहां पे, आपको मैं फिर से बता देता हूं स्टूडेंट्स, तो ये है आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है जो, तो जुलाई 2019 में जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया एम्प्लॉयज के अंडर स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत, वो रिड्यूस किया गया था 6.5% से 4% का, यानी कि 6.5% से 4% का, यानी कि एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 4.75% से 3.25% एंड द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 1.75% से 0.75%। हालांकि ये डाटा थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आया, कहते जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है आपकी, वो एडमिनिस्ट्रेट बाय अ कॉर्पोरेट बॉडी कॉल्ड द ESI कॉर्पोरेशन। क्लियर, इवन ये चीज इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से, हालांकि काफी बेस है, चांसेस कम है, बट इट माइट पॉसिबल कि आपका ये स्लाइड का सेकेंड लास्ट पॉइंट प्रिलिम्स में पूछा जा सके। तो यहां पे लिखा कि जो कॉरपोरेशन है, अरे जो ESI कॉरपोरेशन है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ESI कॉरपोरेशन, वो एक हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग है एंड डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी है।
अंडर द ESI एक्ट एम्प्लॉयज, क्लियर है ना, कौन सा ये है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत, एंड ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ द स्कीम, हालांकि यही मॉनिटर करती है, यही आपको मैनेज कर रही है ESI स्कीम. तो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट इज इट्स चेयरमैन. कंसेप्ट देख लीजिएगा, यूनियन मिनिस्टर लेबर और एम्प्लॉयमेंट के ESI का चेयरमैन होता है, क्लियर बाय डिफॉल्ट. आगे बढ़े तो यहां पे लिखा कि इट कवर अबाउट 3.49 करोड़ ऑफ फैमिलीज, यूनिट्स ऑफ वर्कर्स, प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स, मेडिकल फैसिलिटीज टू द 13.56 करोड़ बेनिफिशियरीज. क्लियर है ये चीज आपको. नेक्स्ट न्यूज आती है कि भारत का इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे इन द असम, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3 के लिए. तो स्टूडेंट्स क्या मैं शुरू कर सकता हूं, और एक आपसे मैं फिर से वही अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम रहती है रिगार्डिंग द न्यूज करंट अफेयर्स को लेकर, अगर मैंने कुछ समझाया फिर से भी कोई आपको डाउट्स हैं, तो प्लीज आप लोग ना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपके कमेंट्स को चेक करता हूं, और उससे क्या रहता है कि मुझे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए भी सॉल्यूशन लेकर आना है, तो वो काफी बेनिफिशियल रहेगा. क्लियर है. और नेक्स्ट, हर एक सेशन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए लिंक से मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. तो बात करें अगर यहां पे, यहां बोला गया जो असम सरकार है, असम गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया 1.8 किलोमीटर रोप वे अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर. कंसेप्ट पे फोकस रखेगा, 1.8 लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का रोप वे ब्रिज शुरू किया असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, एंड डिस्क्राइब्ड इट एज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे. क्लियर. और अगर मैं यहां पे बात करूं ब्रह्मपुत्र की, तो यहां पे क्या लिखा जाता है कि इट इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, जो रहता है आपका वॉल्यूम वाइज, मतलब अगर पानी की क्षमता की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र भारत में नंबर 1 स्थान पे है, और अगर मैं यहां पे लेंथ वाइज लिख देता तो हमारी गंगा रिवर आ जाती. क्लियर. तो यहां पे असम सरकार ने यहां पे इनॉग्रेट कर दिया ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, और उसको डिस्क्राइब कर दिया कि भारत का सबसे लंबा रिवर रोप वे ब्रिज बना है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर. क्लियर. और इसको बनाने के लिए 56 करोड़ रुपए का निवेश किया गया. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेंट्रल टू द नॉर्दर्न गुवाहाटी. इट टेक्स 8 मिनट्स टू ट्रांसफर द एंटायर लेंथ ऑफ द रोप वे. क्लियर. बस आप लोग यहां पे फोकस कीजिए ये चीज पे, अरे किसको कनेक्टिविटी दे दी, जो हमने 1.8 किलोमीटर का जो ये रोप वे ब्रिज तैयार किया, जिसको भारत का सबसे लंबा ब्रिज बोल दिया गया, वो सेंट्रल से लेकर नॉर्दर्न गुवाहाटी तक को कनेक्टिविटी दे रहा है. कहते अब असम सरकार के द्वारा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड द लॉन्गेस्ट रिवर क्रॉसिंग द एरियल ट्रैमवे सिस्टम इन इंडिया. क्लियर. तो लिखा गया कि थाउजेंड ऑफ पीपल कॉम्यूट एवरीडे बिटवीन द कैपिटल सिटी ऑफ गुवाहाटी एंड द टाउन ऑफ द नॉर्थ गुवाहाटी. कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. अरे वेयर एज IIT गुवाहाटी इज लोकेटेड, अदर ट्रैवल ऑप्शन बिटवीन द टू बैंक्स आर बाय द फेरी, यानी कि जो टाइम लगता है 30 मिनट्स और मोर डिपेंडिंग ऑन द करंट एंड द सीजंस, और बाय द रोड थ्रू अ ब्रिज दैट यूजुअली टेक ओवर एन आर इन द ट्रैफिक. तो अगर या तो आप लोग बाय रोड जाते हैं जो लगभग 1 घंटा लग जाता है, तो वो 1 घंटे को बचाते हुए ये जो रोप वे ब्रिज तैयार किया गया है ये 8 मिनट में यही आपको कवर करवा देगा फ्रॉम द सेंट्रल टू द नॉर्थ गुवाहाटी. क्लियर है. तो यहां पे लिखा कहते अपार्ट फ्रॉम द सब्सटेंशियली रिड्यूसिंग ट्रेवलिंग टाइम, हालांकि अगर मैं यहां पे बोल दूं कि हमारे लिए जो टाइम भी रिड्यूस कर दिया गया, ट्रेवलिंग टाइम रिड्यूस किया स्टूडेंट्स, कि द रोपवे विल प्रोवाइड अ
सॉरी ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट. इंपॉर्टेंट है, क्लियर है. यहां पे लिखा कि टूरिस्ट कैन टेक द रोप वे टू द नॉर्थ गुवाहाटी एंड स्पेंड द क्वालिटी टाइम ऑन दैट साइड. हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज विल ऑल्सो डेवलप ऑन दैट साइड and thus ropeway is expected to be an overall boost for the tourism in the city. Clear hai students yahan tak? Yahan pe aage dekhein ki the further the ropeway is considered as a convenient and the non-polluting means of transport as well as a source of the environment friendly tourism. To yahan tak kisi ko koi doubt to nahi hai. अब यहां पे मैं आप लोगों के लिए बस एक चीज थोड़ा सा और बोल देता हूं, थोड़ा सा पॉइंट आप लोग रिवर ब्रह्मपुत्र को लेकर यहां पे प्लीज ऐड ऑन कर लीजिएगा. ब्रह्मपुत्र रिवर, क्लियर है. तो यहां से अगर मैं शुरू करूं तो ये रिवर क्या लिखा गया, ओरिजिनेट फ्रॉम. हां जी स्टूडेंट्स बता सकते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत, कहां पे, नियर द कैलाश मान सरोवर लेक. और एक और चीज यहां पे फोकस करके रखिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर है ये, हम लोग बोलते हैं कि इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोला गया. तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहां पे बेनिफिट लगाने वाला हूं, प्लीज आप लोग बने रहें. हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जारलुंग सांगपो. जारलुंग सांगपो हम लोग इसको तिब्बत के अंदर बोलते हैं. ये चीज को फोकस कीजिएगा आप लोग कि द रिवर ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड जारलुंग सांगपो इन तिब्बत, क्लियर है. और अगर यहाँ पे कई इसके डिफरेंट नेम्स हैं, और आज मैं उसी को थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ जो आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल भी रहेंगे, क्लियर है. क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के परस्पेक्टिव में. तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे बोला गया अरुणाचल प्रदेश में, यहां पे बोला गया दिबांग या फिर इसको देहांग भी बोला गया है अरुणाचल प्रदेश में रिवर ब्रह्मपुत्र को लेकर, क्लियर है स्टूडेंट्स. ओके, देन आफ्टर हम लोग इसको एक और चीज से पढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड. यहां पे लिखा गया कि बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाएगा, जामुना. तो प्लीज फोकस कीजिए, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड जारलुंग सांगपो इन तिब्बत, दिबांग और देहांग इन अरुणाचल प्रदेश, जामुना इन बांग्लादेश. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. यहां तक आपका था ब्रह्मपुत्र रिवर का. और अगर मैं यहां पे और एक बात कर दूं तो ब्रह्मपुत्र की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कि द रिवर टीस्टा इज द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र. तो इतना सफिशिएंट है एड ऑन डाटा करने के लिए. तो यहां पे ये आप लोग पिक्चर देखें जो मैंने यहां पे यूज किया. सो दिस इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे इन असम. तो ये रोपवे है जिसकी लेंथ 1.8 किलोमीटर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से ट्रेवल करती है, और इवन ये सेंट्रल गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी को कनेक्टिविटी देती है. स्टूडेंट्स यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे चल सकते हैं. ओके, तो यहां पे लिखा कि अपार्ट फ्रॉम द सब्सटेंशियली रिड्यूसिंग द ट्रेवल टाइम द रोपवे विल प्रोवाइड अ ब्रेक थ्रू व्यू. ये हमने पढ़ लिया था, इवन ये फिर से पॉइंट एड ऑन हुआ है. यहां पे लिखा टूरिस्ट कैन टेक अ रोपवे हॉस्पिटैलिटी, ये दोनों पॉइंट्स आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो कहते फर्दर रोपवे इज कंसीडर्ड एज अ कन्वीनियंट एंड नॉन पॉल्यूटिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल एज अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म. सो ये है आपका, क्लियर. तो कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखकर बताइएगा. आगे बढ़ते हैं, हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज रहती है
कि जो मिड डे मील है वो बेनिफिशरीज टू गेट फूड सिक्योरिटी अलाउंस जो बोला गया FSA, और ये आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट रहने वाली है जनरल स्टडीज पेपर वन के लिए, यानी कि GS पेपर वन के लिए न्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। शुरू करें, तो यहां पे लिखा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो इन्फॉर्म किया कि दिल्ली हाई कोर्ट दैट इट वॉज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज। कंसेप्ट देखिए, दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि इट वॉज इन द प्रोसेस, कि दिल्ली सरकार एक प्रोसेस में है ऑफ कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज ऑफ पेमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस टू द बेनिफिशरीज ऑफ द मिड डे मील्स एट द अर्लीएस्ट। क्लियर? यहां पे लिखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था पूरे भारत के अंदर नेशन वाइड शटडाउन ऑफ क्लासरूम्स ऑन द मार्च 16 से लेकर इन अ बिड टू ब्रेक द चेन्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। तो स्कूल शटडाउन होने के कारण दिल्ली सरकार ने इन्फॉर्म किया दिल्ली हाई कोर्ट को कि वो जो फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस की पेमेंट्स हैं वो बेनिफिशियरीज को जल्द ही मुहैया करवाएंगे, और वो बेनिफिशियरीज जो मिड डे मील्स की हैं। क्लियर है? यहां बोला गया फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऑर्डर्स आते हैं मंत्रालय के, asked the state governments on the Friday to begin providing hot cooked midday meals or the food security allowances to all the students in the classes of 1 to 8 for as long as their schools remain closed to contain the spread of the COVID-19. तो ये important है, ये भारत सरकार के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे और भारत सरकार का एक मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री ने बोला कि आप लोग क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक मिड डे मील्स की या तो पेमेंट प्रोवाइड करवाइए या फिर हॉट कुक्ड आप उसको फूड प्रोवाइड करवाइए कि जब तक स्कूल्स क्लोज रहेंगे। क्यों? अरे COVID-19 की जो चेन तोड़नी थी ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे लिखा द ऑर्डर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ड्रॉस पावर फ्रॉम द MDM रूल्स। कंसेप्ट है, जो हमने देख लिया ना कि आपका भारत का एक मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने जो निर्देश जारी किए, अरे जारी तो कर दिए, किस आधार पे जारी किए, क्या पावर्स थी, कौन सी पावर्स थी, वो पावर्स हैं उनके पास मिड डे मील्स एक्ट रूल 2015 के द्वारा, विच एनविसेज अ सिचुएशन व्हेन मील्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। कभी अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाएं कि खाना ना बन पाए, कि मील्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स, कुकिंग कॉस्ट, फ्यूल और एब्सेंस ऑफ द कुक कम हेल्पर, इस सिचुएशंस में द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस टू ईच चाइल्ड कंसिस्टिंग ऑफ फूड ग्रेन्स एंड द कुकिंग कॉस्ट एंटाइटलमेंट। तो क्लियर है यहां तक? तो ये था मिड डे मील रूल्स 2015 के तहत, तभी तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किए और भारत सरकार ने भी। क्लियर है? तो आगे आता है हमारा, इट कवर ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द क्लास 1 to 8 ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट एड स्कूल्स, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स इंक्लूडिंग मदरसास एंड मकतब सपोर्टेड अंडर द समग्र शिक्षा अभियान। इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से कि स्टूडेंट्स ऐसा कौन है, ऐसी कौन सी स्कीम आई है कि जो कवर करती है इन स्कूल्स को, वो है अंडर द समग्र शिक्षा अभियान। याद रखिए, क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के अभियान। तो लिखा गया कि करंटली देयर आर 9.17 करोड़ स्टूडेंट्स कवर अंडर द स्कीम। क्लियर?
तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आगे लिखा गया, कहते इट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इन द सितंबर 2013। अगेन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अरे इंडियन पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया था और नोटिफाई किया गया अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 और उसी साल सितंबर 2013 में इसको जारी किया गया था। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। आगे बढ़ता हूं तो यहां पे लिखा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी भी इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फूड फॉर सॉरी टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। अरे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, अगर एक स्टूडेंट के अंदर चिल्ड्रन के अंदर न्यूट्रिशन लेवल डिक्लाइन करता है तो उसका एजुकेशन भी डिक्लाइन करेगा, जिसके कारण इलिटरेसी और लिटरेसी रेट में जो समानता है वो खत्म होगी, खराब होगी। याद रखें इन द ह्यूमन साइकिल अप्रोच बाय एंश्योरिंग, और ये सिक्योरिटी जो हम पढ़ रहे हैं फूड सिक्योरिटी अलाउंस, ये इंश्योर करेगा, गारंटी देता है, असेस करेगा टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द पीपल टू लिव अ लाइफ विद द डिग्निटी। इंपॉर्टेंट मेंस पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट है। अरे हमें क्रक्स तो अब पता लगा है ना कि ये जो फूड सिक्योरिटी अलाउंस है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन एम क्या है, क्यों हमने ये पढ़ा इसको, क्यों भारत सरकार ने ऐसे निर्देश जारी किए, क्यों भारत सरकार का एक मंत्रालय जिसको आपने अभी पढ़ दिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ऐसे निर्देश क्यों जारी किए दिल्ली सरकार को, तो वो कंसेप्ट है और ये है इसका बेस, ये है इसका बैकग्राउंड। आगे बढ़ते हैं, हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज रहती है स्टूडेंट्स कि रिजर्वेशन टू इन सर्विसेज डॉक्टर इन द पोस्ट ग्रेजुएट, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं और ये है आपका इंपॉर्टेंट जीएस पेपर टू। क्लियर, शुरू करें। तो यहां पे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राज्यों को अलाउ कर दिया टू ग्रांट द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स टू इन सर्विस डॉक्टर्स इन द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको आप लोग नीट के नाम से भी जानते हो, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स के लिए। क्लियर है, ये याद रखें। अब मैं थोड़ा सा यहां पे आपको नीट का भी एक डेफिनेशन बता देता हूं स्टूडेंट्स, प्लीज थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, व्हाट डू यू मीन बाय नीट। तो इसका फुल फॉर्म क्या रहता है, तो यहां पे बोला गया कि द तो ये है आपका नीट, जो बेसिकली एक केयर टेक कर रहा है और एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाएगा, एडमिशंस हो जाएंगी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री प्रोग्राम्स के लिए पूरे भारत के अंदर। याद रखें नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, कोई डाउट तो नहीं है, बेसिक है ये चीज आप लोगों के लिए। तो यहां पे लिखा कि जो फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है
ऑफ द एपेक्स कोर्ट, तो उन्होंने भी बोल दिया है कि दैट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, भारत का जो मेडिकल काउंसिल है, अब ये क्या चीज़ है, हम ये पहले स्लाइड खत्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में भी बता दूंगा। हैज नो पावर्स, कि आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कोई पावर्स नहीं है टू प्रोवाइड और नॉट प्रोवाइड रिजर्वेशंस फॉर द इन सर्विस डॉक्टर्स इन एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि जो आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ क्रिएशन ऑफ अ स्टेट अंडर द एंट्री 66 ऑफ द लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स रोल इज टू कोऑर्डिनेट एंड डिटरमाइन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द मेडिकल एजुकेशन। क्लियर है। तो अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो देखें आप लोग यहां पे लिखा है कि इट वॉज अब देखें 1934 में इसको बनाया गया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, किसके तहत, इंडियन मेडिकल काउंसिल मतलब IMC एक्ट के तहत, जो 1933 में हुआ था। कहते जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, विद द मेन फंक्शन ऑफ, अब इसका मेन फंक्शन क्या है, एस्टैब्लिशिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशंस इन मेडिसिन एंड रिकॉग्निशन ऑफ, अरे किसको रिकॉग्नाइज करना है माय डियर स्टूडेंट्स, रिकॉग्नाइज ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन इन इंडिया, इवन अब्रॉड में भी ये चीज फोकस करके रखिए, ये चीज के ऊपर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। अरे भारत के अंदर तो है ही है, अब्रॉड में भी। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक आगे चलें, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें। तो यहां तक पढ़ लिया, यहां पे लिखा कि एंट्री 66 ऑफ लिस्ट 1 के तहत क्या चीज है, यहां बोला गया जो कोऑर्डिनेशन है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ये है आपका एंट्री 66 जो लिस्ट है, क्योंकि यहां पे लिखा है कि MCI इज अ क्रिएशन ऑफ स्टैच्यू अंडर द एंट्री 66 ऑफ लिस्ट 1, और इसी लिस्ट के अंडर क्या चीज है, अरे स्टैंडर्ड्स हैं, किसके, इंस्टीट्यूशंस के, हायर एजुकेशन के, मेडिकल हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूं, और रिसर्च एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा कि द बेंच हेल्ड दैट, अब बेंच क्या बोलता है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो रेगुलेशन करेगा, बेयरिंग सच रिजर्वेशंस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर्बिट्रेरी एंड दैट द स्टेट लेजिस्लेचर हैज द थॉट ऑफ कंसेप्ट, देखें MCI के पास अथॉरिटी नहीं है, राज्य सरकारों के पास अथॉरिटी आई है कि दैट, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये कोर्ट का मानना है दैट द स्टेट लेजिस्लेचर हैज द अथॉरिटी टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस, वो रिजर्वेशन कर सकते हैं फॉर इन सर्विस डॉक्टर्स। इट हेल्ड दैट कि स्टेट has the legislative competence and the authority to provide for a separate source of
एंट्री फॉर इन सर्विस कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज या फिर डिप्लोमा कोर्सेज इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर द एंट्री 25 ऑफ द लिस्ट थर्ड अगेन इंपॉर्टेंट क्लियर है ये चीजें ना ये चीजें आपके प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है यहां तक कोई डाउट तो नहीं है और इसको थोड़ा सा आप लोग एक दो बार फोकस करके रखिए क्योंकि यहां पे एक चीज बोली गई है यहां पे ना क्या दिखाया गया आपको स्टूडेंट्स यहां पे ये चीज को शो किया गया है कि जो आपका एमसीआई है रेगुलेट करता है बेयरिंग सच रिजर्वेशंस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरे बिल्कुल ठीक है बट स्टेट लेजिस्लेचर हैज द अथॉरिटी टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस राज्य सरकारों के पास अथॉरिटीज हैं रिजर्वेशन को लेकर अरे वो किसके रिजर्वेशंस को लेकर स्टूडेंट्स यहां पे लिखा है यहां पे मेंशन कर दिया इन सर्विस कैंडिडेट सीकिंग एडमिशंस टू द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज के लिए इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर याद रखें सेपरेट सोर्स ऑफ एंट्री और ये जो पावर राज्य सरकार यूज करेगी आपकी जस्ट अ सेकेंड यूज करेगी ना कि राज्य सरकारों के पास रिजर्वेशन करने का अधिकार है नॉट फॉर द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो राज्य सरकार पावर यूज करती है वो है अंडर द एंट्री 25th ऑफ द लिस्ट थर्ड तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बट फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मैं फिर से बोल देता हूं स्टूडेंट्स ये प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये भी आपका प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्लियर आगे बढ़ते हैं आगे चला जाए तो यहां पर लिखा कि It has asked states to formulate a scheme. तो राज्य सरकारों को एक स्कीम फॉर्मुलेट करनी है for the rural remote service by in-service doctors after completing the post-graduate degrees and doctors must sign a bond for the 5 years in service in such areas. तो doctors को 5 साल का bond भी sign करना है यहां पर even लिखा कि जो doctors हैं केरला सरकार केरला के महाराष्ट्र के हरियाणा के फाइल्ड अ पटिशन तो ये भारत के 3 राज्य केरला महाराष्ट्र हरियाणा के डॉक्टर्स ने पटिशन्स को फाइल कर दिया चैलेंज किया है वैलिडिटी ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2000 फ्रेम्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्लियर आगे आया कि 50% सीट्स इन द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज आर रिजर्व्ड फॉर द मेडिकल ऑफिसर्स इन द गवर्नमेंट सर्विसेज बट द एमसीआई रेगुलेशन बेस इट इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज इवन यहां पे लिखा कि डॉक्टर्स हेल्ड दैट ग्रांटिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स वुड एनकरेज दोज वर्किंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड द रूरल एरियाज अब डॉक्टर्स का ये बोलना है कि जो आप ये रिजर्वेशन यहाँ पे लगा रहे हो वो बेनिफिट देगा और एनकरेज भी करेगा वो सरकारी हॉस्पिटल्स और रूरल एरियाज में सर्विस कर रहे डॉक्टर्स को क्लियर इवन यहाँ पे लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट की भारत सरकार एंड द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपोज द प्ली Contending that granting the reservation, अगर हम लोग reservation देते हैं और a separate source of entry for in-service candidates को अगर हम लोग एक अलग से entry देते हैं would directly impinge on the authority of the Medical Council of India and its regulations. Clear है? Next, हमारी आज की next news रहती है students, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 और ये इंपॉर्टेंट है आपका जीएस पेपर 2 के लिए क्लियर है शैल वी स्टार्ट ओके तो यहां पे देखते हैं है क्या चीज आपके लिए तो ये लिखा कि एयरफोर्स भारत का इंडियन एयरफोर्स है जो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड वॉज कंफर्म्ड विद द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 क्लियर अरे क्यों फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हेल्पिंग स्पोर्ट्स पर्सन टू एक्सेल इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स एंड द इंप्लीमेंट रॉबस्ट स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर इंपॉर्टेंट
इस साल का खेल राष्ट्रीय खेल रत्न प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसको कंफर्म किया गया? एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। क्लियर है? यहां देखते हैं और कि जो आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्कीम है वॉज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट है ये चीज, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया मतलब लाया गया भारत के अंदर 2009 में। अरे क्यों? टू एनकरेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉरपोरेट्स एंड द स्पोर्ट्स प्रमोशनल बोर्ड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री। हालांकि ये भी मेरा प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट भी आपका प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। अरे द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, सॉरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज रिवाइज्ड द स्कीम ऑफ द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। वो 2015 के अंदर रिवाइज किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट न्यूज आती है कि जस्ट अ सेकेंड, यहां पे आया कि जो एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है इज द एपेक्स बॉडी फॉर द प्लानिंग कंडक्ट ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विद द इंडियन एयरफोर्स एंड एट द इंटर सर्विसेज लेवल। इंपॉर्टेंट अगेन, यहां पे एयरफोर्स कंट्रोल बोर्ड को दिखाया गया कि वो एक एपेक्स बॉडी है। क्लियर? फॉर द प्लानिंग एंड द कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जो भारतीय एयरफोर्स के साथ एंड द इंटर सर्विसेज लेवल तक आपको करवाएगी स्पोर्ट्स। क्लियर? यहां पे आया कि जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हैं पूना में, कंसेप्ट देखें, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पूना वॉज रेज्ड एज द पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मीज मिशन ओलंपिक्स प्रोग्राम इन 2001। इंपॉर्टेंट, द खेलो इंडिया स्कीम, ये है क्या? ये आपकी खेलो इंडिया स्कीम क्या चीज है, पहले आप इस पे फोकस कीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यहां पे लिखा गया खेलो इंडिया स्कीम, तो देखें यहां पे नंबर वन, यहां पे लिखा गया कि द खेलो इंडिया यूथ गेम्स आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस आफ्टर द, ये मैं आने वाले खेलो इंडिया की बात कर रहा हूं, आफ्टर द 2021 टोक्यो ओलंपिक्स एंड विल बी हेल्ड इन। अरे खेलो इंडिया स्कीम भारत के अंदर कहां होने जा रही है? हेल्ड इन पंचकुला। जस्ट अ सेकेंड, जो आपका हरियाणा में है, यानी कि नियर टू द चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? नियर बोला है, मैंने बात की है। यहां पे बोला गया कि आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है क्या चीज, कहते इज अ पार्ट ऑफ द रिवैम्प्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स। कौन सा? अरे खेलो इंडिया। विच वॉज अप्रूव्ड, अरे इसको अप्रूवल किसने दे दिया स्टूडेंट्स, और हमने वो पढ़ा भी है, अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन 2017। तो लिखा The 2020 editions of Khelo India Youth Games was held in Guwahati, Assam में। तो थोड़ा सा आप लोग फोकस करें, मैं यहां पे ये चीज बता रहा हूं आपको,
जो प्रिलिम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अरे 2021 का खेलो इंडिया कब होगा? जब टोक्यो के ओलंपिक्स हेल्ड हो जाएंगे, उसके बाद भारत के हरियाणा राज्य के शहर पंचकुला में होंगे। इवन 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुए थे? गुवाहाटी में हुए थे, असम की कैपिटल में। और अभी हमने पढ़ा है गुवाहाटी को लेकर, तो क्या पढ़ा आप लोगों ने? रिविजन के लिए इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे इन असम, क्लियर। चलें आगे, जो 1.8 किलोमीटर है ओवर द रिवर ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे लिखा कि जो आपकी खेलो इंडिया स्कीम है वो एम करती है एनकरेज स्पोर्ट्स ऑफ ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारत के अंदर, दस अलाउइंग द पॉपुलेशन टू हार्नेस द पावर्स ऑफ स्पोर्ट्स, क्लियर है? जस्ट सेकेंड। थ्रू इट्स क्रॉस कटिंग इन्फ्लुएंसेस, नेमली होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यूथ, कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी की बात की गई, कम्युनिटी को भी डेवलप करने की बात की गई खेलो इंडिया स्कीम के तहत। सोशल इंटीग्रेशन, क्लियर है? जेंडर इक्वलिटी की कंसेप्ट उठा ले यहाँ पे हम लोगों ने। नेक्स्ट आता है हेल्दी लाइफ स्टाइल, क्लियर? यहाँ पे सोशल इंटीग्रेशन, जेंडर इक्वलिटी, हेल्दी लाइफ स्टाइल, नेशनल प्राइड एंड द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक आगे बढ़े, ओके। तो नेक्स्ट आया कि द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड हेल्प, ये हेल्प करेगा वो स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो एक्सेल से भरे हुए हैं, किस तरीके से हेल्प करना है, बाय प्रोवाइडिंग देम, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू ट्रेन अंडर द कोचेस ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट विद टेक्निकल्स, कि वो विश्व स्तर के जो ट्रेनीज हैं उनके अंडर स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेन किए जाएं, जो जितना भी खर्च आएगा वो उठाएगा नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दी जाएगी एंड गिविंग देम एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। तो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड? तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग डाटा एड ऑन करते हैं, बस आप लोग मेरे साथ बने रहें। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, तो क्या चीज है ये? यहां पे लिखा गया नंबर वन, तो क्या बोलते हैं, कहते इट वॉज एस्टैब्लिश, मतलब इसको कब एस्टैब्लिश किया गया नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड को, जो स्पोर्ट्स पर्सन को काफी ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली मतलब उनकी ट्रेनिंग से लेकर साइकोलॉजिकल, उनकी हेल्थ, क्लियर है? ताकि उनको एक्सपोजर मिल सके इंटरनेशनल लेवल का। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1998 अंडर द, अरे कौन से मंत्रालय के अंदर या फिर कौन सा चैरिटेबल है? अंडर द चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट, सॉरी 1890 के तहत, क्लियर है? सेकेंड पॉइंट आता है, इसका मेन एम क्या था? अरे ऑब्जेक्टिव लगा लो, एम लगा लो, क्लियर? तो क्या है इसका एम? यहां पे बोला गया कि इट्स, जस्ट अ सेकेंड, इट्स पर्पस ऑफ क्रिएशन इज टू इंपोर्ट मोमेंटम एंड फ्लेक्सीबिलिटी अमंग द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया, क्लियर है? और अगर और भी आगे देखा जाए स्टूडेंट्स, तो थर्ड पॉइंट भी हम लोग लिख सकते हैं, ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी बाय द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। अभी हमारा और है डाटा थोड़ा सा, यहां पे हमने लिख लिया था, थर्ड पॉइंट भी लिखते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के लिए ही। थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोलता है यहां पे? जस्ट अ सेकेंड,
तो यहां बोला गया कि जो आपका फंड है इज मैनेज्ड बाय द काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? तो ये हमने देख लिया कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे लिखा कि जो आपका नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कंटेस्ट है, स्कीम है ये भी एक, इज बीइंग इंप्लीमेंटेड टू स्काउट स्पोर्ट्स टैलेंट इन द एज ग्रुप्स ऑफ 8 to 14 ईयर्स फ्रॉम द स्कूल्स एंड नर्च देम इन टू फ्यूचर्स मेडल होप्स बाय प्रोवाइडिंग देम साइंटिफिक ट्रेनिंग। क्लियर है? तो 8 से लेकर 14 साल के बच्चों को ये ट्रेनिंग करवाएंगे। इवन लिखा भारत की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर स्कीम फॉर जूनियर लेवल ट्रेनीज के लिए उनका मेन ऑब्जेक्टिव है वॉज टू मेक इट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए, कि ये दोनों सरकारें मिलकर काम करें स्पोर्ट्स को लेकर, डेवलपमेंट्स को लेकर, ताकि एफर्ट्स दिख सकें, लग सकें थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस स्कीम्स, छोटी छोटी स्कीम्स को बनाकर। आगे आया यहां पे हमारे पास कि द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द एपेक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी ऑफ इंडिया, जो एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, यहां पे लिखा स्पेशल एरिया गेम्स जिसको सैग स्कीम बोला गया, कहते इसका एम है एट स्काउटिंग नेचुरल टैलेंट फॉर द मॉडर्न कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर द इनअसेसिबल ट्राइबल्स रूरल्स एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ द कंट्री एंड नर्चिंग देम द साइंटिफिकली फॉर द अचीविंग एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट्स। तो ये स्कीम्स आप थोड़ा सा पढ़ें और इसको मेमोराइज कीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? आगे बढ़े, हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज रहती है स्टूडेंट्स कि E8 ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है GS पेपर 2 के लिए। क्लियर? शुरू करूं, यहां पे लिखा द 8th ईस्ट एशिया समिट जो अभी हुई इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड वर्चुअली एंड अटेंडिंग बाय द 10 एशियन मेंबर्स, सॉरी असीन मेंबर्स। तो जो 8th ईस्ट एशियन समिट है इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की हुई, वो वर्चुअली हुई, जिसके अंदर 10 असीन मेंबर्स ने भी पार्टिसिपेट किया एंड 8 अदर नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया, USA एंड चाइना। क्लियर है? तो व्हाट डू यू मीन बाय ईस्ट एशिया समिट, इसके लिए थोड़ा सा क्विक डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग कि ईस्ट एशिया समिट है क्या चीज। तो देखें यहां पे, नंबर 1 कहते इट वॉज इसको 2005 में एस्टैब्लिश किया गया था अ फर्म ऑफ 18 रीजनल लीडर्स फॉर द स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड कॉपरेशंस ऑन द की पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस को लेकर। यह है आपका ईस्ट एशिया समिट के बारे में, फेसिंग द इंडो पैसिफिक रीजन। क्लियर स्टूडेंट्स? इवन यहां पे लिखा गया, कहते इट वॉज फर्स्ट प्रमोटेड
इन 1991 में इसको सबसे पहले प्रमोट किया गया था, किसके द्वारा? बाय द देन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जस्ट अ सेकेंड, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और वो कौन है? वो हैं आपके महाथिर बिन मोहम्मद। क्लियर स्टूडेंट्स? थोड़ा सा याद रखें प्रिलिम पर्सपेक्टिव से ये चीजें जो हम लोगों ने डाटा ऐड ऑन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट समिट की, वॉज हेल्ड इन कुआलालंपुर मलेशिया में है, जो ऑन 14th of December 2005 को। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, आगे चलते हैं। यहां पे अब फोकस करते हैं। तो यहां पे लिखा कि जो मीटिंग है वो हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस, दिखाती है अरे स्ट्रेंथनिंग रीजनल सप्लाई चेन टू मेक देम रेजिलियंट इन टाइम्स ऑफ हाई टाइटेंड चैलेंजिंग पोस्ट बाय द COVID-19 पैंडेमिक एंड टू द स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और यहां पे मैंने जो मैप यूज किया है ये आपके मेंबर्स का है। क्लियर? यहां पे लिखा कि रिसेंटली जापान हैज मूटेड द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जो बोलेगा SCRI, एज अ ट्राइलेटरल अप्रोच टू ट्रेड विद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एज अ की पार्टनर। और अगर मैं यहां पे बोलूं ना SCRI क्या चीज है, एक इनिशिएटिव है, क्यों बनाया गया? टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल नेशन, ताकि हम लोग, यानी कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है ताकि कोई भी कंट्री एक दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो पाए। ठीक है? यहां पे लिखा एनी ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव एमरजेंसी मेजर्स पुट इन प्लेस टू एड्रेस द इंपैक्ट ऑफ COVID-19। क्यों? ताकि वो टारगेटेड, प्रोपोर्शनेट, ट्रांसपेरेंट, टेम्परेरी, कंसिस्टेंट विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड डू नॉट क्रिएट अननेसेसरी बैरियर्स टू ट्रेड और डिसरप्शंस ऑफ द ग्लोबल एंड द रीजनल सप्लाई चेन्स। इंपॉर्टेंट है ये चीज। इस तरीके के आपको मेंस में काफी इंपॉर्टेंट रखेगा। क्लियर है? बढ़े आगे। ये चीज आप लोग थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इस तरीके का डाटा मेंस में लिखते हैं तो अदर एस्पिरेंट्स के मुकाबले में आपका जो आंसर होगा वो काफी ज्यादा बेटर दिख कर आएगा। नेक्स्ट स्टेप सपोर्ट आती है फॉर द नेसेसरी रिफॉर्म्स इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेज टू कंटिन्यू वर्क टुगेदर टू रिलीज टू रियलाइज अ फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिडिक्टेबल एंड द स्टेबल ट्रेड एनवायरमेंट। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा कमिटमेंट टू फैसिलिटेट सप्लाई चेन कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग गुड्स सच एस मेडिकल सप्लाईज, मेडिसिन इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन, फूड, कॉमोडिटी, अदर एसेंशियल सप्लाई सर्विसेज इन द रीजन। ये COVID-19 को लेकर था। हार्सनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, इवन ये इंपॉर्टेंट है, भारत का हाईलाइटेड द आत्मनिर्भर भारत अभियान विच इज अबाउट अपस्केलिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इट्स स्किल्स कैपेबिलिटीज टू मेक देम रेजिलियंट एंड लेस वल्नरेबल टू शॉक्स एंड इंटीग्रेटिंग द इंडियन इंडस्ट्रीज विद द ग्लोबल सप्लाई चेन। ये दिखा रहा है भारत। यहां पे लिखा द मीटिंग कम्स एट द क्रिटिकल जंक्चर when the pandemic has not just posed an unprecedented health crisis but also caused a sharp contraction in the economic activities। halanki health ko lekar to jo problems aayi hai crisis aaye hain medicals mein, but economy bhi kafi sharp decline hui hai, contraction aayi hai, disrupting trade and the investments। yahan pe
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स का भी जिक्र हो गया है कि हैज प्रेडिक्टेड अ 4.9% कॉन्ट्रेक्शन फॉर द 2020 ग्लोबल जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वार्निंग दैट COVID-19 आउटब्रेक हैज प्लज्ड द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू इट्स वर्स्ट रिसेशन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s. हालांकि हमने ये भी न्यूज पढ़ी थी, ग्रेट डिप्रेशन 1930 जो न्यूयॉर्क से शुरू हुआ था, जिसके रूट्स पूरे वर्ल्ड में फैल गए थे. क्लियर? तो ये है आपका ईस्ट एशिया समिट मेंबर नेशंस. तो कौन कौन आपके सामने हैं? नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, अप्रैल के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया था कि जो ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ है कुड क्रैश बाय द 13-32% इन 2020. अरे इतना क्रैश हो रहा है. ईस्ट एशिया समिट को अगर लेकर चले तो 2005 में स्टैब्लिश हुआ, हमने पढ़ा, 18 रीजनल लीडर्स हैं और इंडो पैसिफिक रीजन को चैलेंज करते हैं. इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, की पॉलिटिकल सिक्योरिटी, ये हमने देख लिया था ऑन द की पॉलिटिकल सिक्योरिटी इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर द स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड द कॉपरेशन. क्लियर? इवन बोला गया कंसेप्ट है ईस्ट एशिया ग्रुपिंग का 1991 में आया बाय द मलेशियन प्राइम मिनिस्टर माथिर बिन मोहम्मद. क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैं यहां पे बात कर लूं भारत की, तो क्या लिखा यहां पे? लिखा गया कि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ईस्ट एशिया समिट. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, मैं आज का सेशन यहीं तक रोकता हूं. किसी को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर लिखकर बताएं, और इससे मुझे आपके प्रॉब्लम्स को पता लग जाएगा, क्योंकि अगले सेशन में आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊं. थैंक यू फ्रेंड्स.